बिग बॉस 14 के घर में कंटेस्टेंट्स को एक के बाद एक कई सरप्राइज मिलने वाले हैं। वहीं मेकर्स ने ऑडियंस के लिए भी ढेर सारी प्लानिंग की हुई है। शो को 1.5 महीना एक्सटेंड करने के बाद भी मेकर्स ने कमर कस ली है कि किसी भी तरह से टीआरपी लिस्ट में अपनी जगह बनानी है। बिग बॉस 14 के अपकमिंग एपिसोड में हर एक कंटेस्टेंट को अपने परिवार से मिलने का मौका मिलेगा। फैमिली टास्क के जरिए घर में मौजूद सदस्यों को अपने फैमिली मेंबर से बात करने के लिए कुछ ही मिनट दिए जाएंगे। इस टास्क के दौरान राहुल वैद्य की माँ उनसे मिलने आएंगी। राहुल वैद्य को अपनी माँ से बात करने के लिए 10 मिनट से ज्यादा का वक्त मिलेगा। बातचीत के दौरान ही राहुल वैद्य अपनी माँ से शादी की बात भी छेड़ देंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चुके हैं कि राहुल की माँ इस बात का जिक्र करेंगी कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वैसे आपको बता दें कि मेकर्स किसी भी चीज को भुनाने का मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मेकर्स राहुल वैद्य और दिशा परमार के परिवार को इस बात के लिए जरूर अप्रोच करें कि वो शो पर ही शादी कर ले। जी हाँ दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं है जब बिग बॉस के शो में कोई कपल शादी करने वाला हो। आपको बता दें कि बिग बॉस 10 में भी भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा ने अपने मंगेतर विक्रांत सिंह राजपूत संग शादी की थी। वहीं अली मर्चेंट और सारा खान भी शो पर शादी कर चुके हैं। पिछले सीजन में ही आरान खान ने रश्मि को शादी के लिए प्रपोज भी किया था। ऐसे में बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं कि राहुल वैद्य नेशनल टीवी पर दिशा परमार के साथ शादी कर सकते हैं, क्योंकि बिग बॉस के मेकर्स ऐसा कोई भी मौका हाथ से जाने देना नहीं चाहते हैं जहां पर शो की टीआरपी बढ़े। तो क्या आप भी चाहते हैं कि राहुल वैद्य अपनी गर्लफ्रेंड दिशा परमार से नेशनल टीवी पर शो पर ही शादी करें? तो जल्दी से आइए और हमें कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस दीजिए।